Welcome back to another session of English grammar. Students, in our previous session we have discussed chapter number 6 nouns. Okay, हमने हमारे last session में chapter number 6 complete किया था, जिसका हम first part complete कर चुके हैं, proper noun. Okay, आज हम इसका other part पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है हमारा common noun. आज का topic हमारा क्या है? Common noun. प्रॉपर नाउन की जो भी एक्सरसाइजेस मैंने दी थी वो आप सब कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आप लोगों को प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा कॉमन नाउन. स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको प्रॉपर नाउन में बताया था, प्रॉपर नाउन क्या होता था कि हम उसमें किसी भी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर नेम देते थे उसको और उसके बारे में बात करते थे. लेकिन हमारे कॉमन नाउन में क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में, ओके, किसी भी प्लेस के बारे में एक ग्रुप में बात करते हैं. उसके लिए हम कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं देते हैं. जस्ट लाइक हमारी डिफिनेशन क्या है कॉमन नाउन की? अ नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी थिंग्स का जो कॉमन नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं? बॉय, गर्ल, स्कूल, चेयर, सेट्रा. जैसे हमने बात की दिस इज अ बॉय, हमने वहाँ पे बॉय का कोई एक नेम नहीं दिया है. हम किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी नेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. बॉय क्या है हमारा? एक कॉमन नाउन है. बॉय का कुछ भी नाम हो सकता है पर्टिकुलर. ओके, नेक्स्ट क्या है? गर्ल, द गर्ल वॉज प्लेइंग. गर्ल क्या करी थी? खेल रही थी. तो गर्ल क्या है? कॉमन है. हम किसी भी गर्ल के बारे में बात कर सकते हैं. हमने वहाँ पे उस गर्ल का नेम मेंशन नहीं किया है दैट सीता वाज प्लेइंग. ओके, अगर हम वहाँ पे कोई एक नाम दे देते उस गर्ल का तब वो हमारा क्या हो जाता? वो प्रॉपर नाउन हो जाता. इसी तरह से किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी थिंग्स के नेम को जब हम उसके कंबाइंड ग्रुप को एक कॉमन नेम देते हैं. जैसे क्या क्या बताया? पर्सन के नेम में क्या है? बॉय क्या है? पर्सन तो है लेकिन उसका कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं है. गर्ल क्या है? ये भी नेम ऑफ पर्सन है लेकिन पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जा रहा है. गर्ल क्या है? गर्ल्स का ग्रुप ही हो सकता है, उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं. स्कूल क्या है? एक प्लेस है लेकिन अगर हम किसी स्कूल के नेम को किसी एक पर्टिकुलर नेम दे दें, जैसे हमारे स्कूल का क्या नेम है? न्यू वेव एकेडमी. अगर हम न्यू वेव एकेडमी बोलते हैं तब तो वो क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि हम पर्टिकुलर न्यू वेव एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ स्कूल बोलेंगे तो उसमें हमारा कोई भी स्कूल आ सकता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? चेयर. चेयर क्या है? नाउन तो है, एक थिंग का नेम है लेकिन कॉमन है. अभी इसी चेयर को हम किसी भी पर्टिकुलर कलर से मेंशन कर दें, रेड चेयर, ब्लैक चेयर, तो क्या हो जाएगा? वो एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाएगी, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन. लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम चेयर के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हमने कहा कि मुझे ये चेयर चाहिए तो उसमें मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पर्टिकुलर रेड चेयर चाहिए. आप कोई भी चेयर दे सकते हो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जिनको हम एक कॉमन नेम के थ्रू कॉल करते हैं उसको हम पर्टिकुलर नेम नहीं देते, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन कहते हैं. तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. अ नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और टाइम इज नोन एज कॉमन नाउन. एक ही तरह की किसी भी चीज़ को जब हम कॉमन मीन्स साधारण रूप से पुकारते हैं, बुलाते हैं या कहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारा कॉमन नाउन. क्लियर? कॉमन नेम ऑफ पर्सन. यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, कॉमन नेम ऑफ थिंग, कॉमन नेम ऑफ प्लेस. इसको चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है. हमारे कॉमन नेम ऑफ पर्सन में क्या है स्टूडेंट्स? मैन. मैन क्या है? कॉमन है. ओके, मैन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया इसलिए ये क्या है हमारा? कॉमन नाउन. नेक्स्ट क्या है? सिंगर. सिंगर भी क्या है? बहुत सारे सिंगर होते हैं, जो भी सिंग करते हैं उनको हम सिंगर ही कहते हैं लेकिन हमने पर्टिकुलर नेम तो दिया नहीं इसलिए सिंगर क्या होगा हमारा? कॉमन नाउन हो गया. नेक्स्ट क्या है? कॉमन नेम ऑफ थिंग. किसी भी चीज़ का कॉमन नेम, किसी भी ग्रुप को हम अगर कॉमनली कॉल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन. जस्ट लाइक फ्रूट. फ्रूट में हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं, एप्पल,
एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो हम अगर पर्टिकुलर फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने अगर एप्पल कहा तो वो तो सिर्फ एप्पल है, लेकिन अगर हमने फ्रूट कहा तो उसमें हमारे जितने भी तरह के फ्रूट्स होते हैं वो सब इंक्लूड हो गए। तो फ्रूट क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्या है, बुक। बुक भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की बुक्स होती हैं, जीके होती है, इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स होती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ बुक कहा, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन नेम ऑफ प्लेस। कॉमन नेम ऑफ प्लेस में क्या क्या है, टेम्पल। हमने क्या कहा, टेम्पल। टेम्पल क्या है, एक प्लेस है, ओके, लेकिन टेम्पल का नेम मेंशन नहीं किया गया, इसलिए टेम्पल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट क्या है, पार्क। पार्क भी क्या है, बहुत सारे पार्क होते हैं, किसी भी पार्क का नेम नहीं दिया गया है, इसलिए पार्क क्या है हमारा, वो भी कॉमन नाउन है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों को अगर हम उनके नाम से नहीं डिनोट करते हैं, केवल हम उनको उनके एक कॉमन नेम से बुलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन। क्लियर। चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट क्या है, द गर्ल इज डांसिंग। इसी जगह पे अगर मैं गर्ल की जगह पे इसका कोई नेम मेंशन कर दूँ, राधा, सीता या कोई भी नेम मेंशन कर दूँ, तो ये राधा क्या हो जाता है हमारा, प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ गर्ल कहा है, द गर्ल इज डांसिंग, तो ये गर्ल हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन है। इसी जगह पे अगर हम गर्ल का नेम दे दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो स्कूल क्या है, एक प्लेस है, लेकिन स्कूल का नेम नहीं दिया गया है, तो स्कूल क्या है हमारा, ये कॉमन प्लेस है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। क्लियर। इस तरह से कॉमन नाउन की हमने डिफिनेशन पढ़ ली। अ नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास और काइंड मीन्स कि एक ही तरह की, इज नोन एज कॉमन नाउन। तो ये हमारी थी कॉमन नाउन की डिफिनेशन, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा भी दिया। चलिए अब हम इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स लुक एट पेज नंबर 23 एक्सरसाइज ए। हमारी पेज नंबर 23 की गिवन एक्सरसाइज ए जो है, सर्कल द कॉमन नाउन्स। कुछ हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें हमें क्या करना है, कॉमन नाउन को फाइंड आउट करना है और उसे सर्कल करना है। फर्स्ट क्या है, रोहन इज अ ब्रेव बॉय। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, रोहन इज अ ब्रेव बॉय। तो कॉमन नाउन हम कैसे पता करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक ही तरह की कॉमन चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। तो रोहन क्या है, रोहन तो एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, लेकिन बॉय क्या है, ये नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन इसमें बॉय में क्या है, बॉय हम किसी भी लड़के को बोल सकते हैं, उसका नेम मेंशन करना जरूरी नहीं होता। तो ये बॉय हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर हम यहीं पे प्रॉपर नाउन की बात कर रहे होते तो हम किसे सर्कल करते, रोहन, क्योंकि वहाँ पे हमने पर्सन का पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, शाहरुख इज अ गुड एक्टर। शाहरुख इज अ गुड एक्टर, इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या है, शाहरुख तो एक पर्टिकुलर नेम है, और ये एक्टर क्या है, एक्टर हम किसी भी एक्टर के लिए बात कर सकते हैं, जो भी एक्टिंग करता है हर उस इंसान को हम क्या कहते हैं, एक्टर कहते हैं। तो ये क्या है, एक्टर जो है हमारा वो क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन। क्लियर। थर्ड क्या है हमारा, मुंबई इज अ मेट्रो सिटी। थर्ड हमारा सेंटेंस क्या है, मुंबई इज अ मेट्रो सिटी। तो मुंबई क्या है, मुंबई तो हमारा पर्टिकुलर नेम हो गया सिटी का, तो ये तो हमारा कॉमन नाउन हो नहीं सकता, लेकिन सिटी क्या है हमारा, ये नेम ऑफ प्लेस है। सिटी क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, और सिटी क्या होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिटी होती है, ठीक है। तो हमें सर्कल किसे करना है, सिटी। सिटी क्या है हमारा, कॉमन नाउन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, यस, फ्लावर होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, हमने उसको पर्टिकुलर नेम नहीं दिया अगर, तो वो उसमें फ्लावर की ही कैटेगरी में आएगा, तो हमारा कॉमन नाउन क्या होगा इसमें, फ्लावर। क्लियर। एंड लास्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारा, राहुल इज अ गुड इंजीनियर। राहुल इज अ गुड इंजीनियर, पर्टिकुलर नेम है राहुल, तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन हो नहीं सकता। इंजीनियर क्या है हमारा,
इंजीनियर जो है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हम इंजीनियर क्या किसी को भी बोल, जो भी ऐसे काम करता है, आर्किटेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर ही बोलते हैं। तो हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, इंजीनियर। क्लियर? राहुल हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इंजीनियर क्या है, कॉमन नाउन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोगों को कॉमन नाउन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग घर पे बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसकी जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एज ए स्टूडेंट, वन मोर थिंग, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 द सेंटेंस समझाया था, उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रही हूँ, जो आपको इंग्लिश सेकेंड की कॉपी में कंप्लीट करना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, और इन सभी वर्क की आपको पिक्चर क्लिक करनी है और मुझे सेंड कर देना है। That's all for today. Thank you so much.